पेंट करा के ना पूरी गाड़ी का वो हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। तो फिर डिसाइड किया कि उस पर हम कराते हैं डार्क PPF। हाँ, एक्चुअली वो गाड़ी जैसे गलियों में और काफिले में, मतलब अलग अलग जगह गाँव में घूमती है, तो ऑब्वियसली स्क्रैच पड़ी जाते हैं भाई ब्लैक कलर पे। स्पोर्ट बोली थी तो हम वहाँ गए थे सिकंद कार वाले पे, और उसने बहुत ही गंदा काम किया था। तो लो भाई अपनी गाड़ी पे जो है काम शुरू हो गया, हमने जो वीडियो बनानी थी वो बना दी है, तो इसमें सारे पार्ट जो है ना वो खुलेंगे। और इसकी गाड़ी देख रहे हो, ये राजे की गाड़ी थी भाई, कॉलेज टाइम में रखी उसने, उसके बाद भी बहुत सालों तक चलाई, ब्लैक कलर की डाइकोर। ये गाड़ी अभी आग लगी है, पता नहीं यार बंदे भी निकल गए नहीं निकल गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और भाई सुबह के 7 बजे हैं, निकलना था 6:30 बजे लेकिन 7 बज गए हैं, और मैं आज जा रहा हूँ फरीदाबाद। किस लिए जा रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ गाड़ी में बैठ के फटाफट। पहले तो यार अब थोड़ा सा ना, अब देखो अक्टूबर में ऐसे हो जाता है गाड़ी के शीशे पे सब, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो अब इस पर थोड़ा पानी मारना पड़ेगा पहले, तो वो करते हैं पहले फिर बताता हूँ आप लोगों को। हाँ सो भाई बात ये है कि आज फरीदाबाद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अपने भाई की एक फॉर्चुनर है, और उस फॉर्चुनर जो है ना वो थोड़ा रफ यूज़ नहीं बोल सकते, मतलब वो किस चीज़ में यूज़ होती है, कॉन्वॉय में यूज़ होती है वो। तो हमारे राज भाई हैं, उनका राजा के जो बड़े भाई हैं, तो वो उनकी कॉन्वॉय में यूज़ होती है वो गाड़ी, फॉर्चुनर ब्लैक कलर की। तो वो उस पर ना काफ़ी स्क्रैच वगैरह कुछ हो गए थे, तो फिर ये सोच रहे थे कि भाई उस पर पहले पेंट कराएं, तो फिर सोच रहे थे कि पेंट करा के ना पूरी गाड़ी का वो हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। तो फिर डिसाइड किया कि उस पर हम कराते हैं डार्क PPF, ठीक है। सो वो डार्क PPF हम कराने वाले हैं आज फरीदाबाद से, रैपोहोलिक शॉप है एक। सो वो रैप करते हैं PPF वगैरह और ये सारे काम करते हैं, मतलब गाड़ियों के, और काफ़ी अच्छे काम है, क्योंकि पहले जो अमर है भाई अपना यूट्यूबर, उसने भी अपनी स्कॉर्पियो एंजो ली थी नई ब्लैक कलर की, तो उसने उसके ऊपर भी वहीं से कराया था, तो उसी के रेफरेंस से फिर हमने भी वहाँ बात की, और अच्छे रेट पे काफ़ी सही रेट दिया हमें, ठीक है। सो उस रेट पे फिर हम फॉर्चुनर जो है अब वहाँ कराने वाले हैं पूरा का पूरा डार्क PPF, जिससे क्या होगा ना जितने भी स्क्रैचेज है ना, एक्चुअली वो गाड़ी जैसे गलियों में और काफिले में, मतलब अलग अलग जगह गाँव में घूमती है, तो ऑब्वियसली स्क्रैच पड़ी जाते हैं भाई ब्लैक कलर पे, धूल मिट्टी भी ज़्यादा चिपक जाती है फिर उसको साफ़ करने में भी, तो वो डार्क PPF से 99.9% हट जाती है, 0.01% का कुछ है कि भाई ना हटे, बाकी वो सब हट जाते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल पहले राजा को ही पिक करने जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर हम जाएंगे विनय को पिक करेंगे, और फिर विनय के बाद हम जाएंगे सीधा फरीदाबाद, और 10 बजे वो शॉप जो है खुल जाती है। गौरव भैया है वहाँ पर, वो उनसे बात हुई थी जो ओनर हैं, तो वो बस 10 बजे उन्होंने बोला था, तो कोशिश है कि 10 बजे पहुँच जाए, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, 3-3.5 घंटे का रास्ता है, कवर करेंगे कोई बात नहीं। लो भाई राजा आ गया अब, ठीक है। राजा तुमने बहुत सालों पहले एक व्लॉग में देखा होगा, बहुत सालों पहले, हाँ, जब वो स्कॉर्पियो लेके गए थे हम, दो साल थोड़ी ना हो गए, दिसंबर लास्ट दिसंबर में ही तो था ना, उससे पुराने दिसंबर में था, हाँ भाई 21 में, कैसे जल्दी टाइम बीत रहा है ना भाई, मेरे को, मैं तो किस्त भर रहा हूँ ना, मुझे तो पता है 2 साल हो गए। तो भाई एक ब्लैक स्कॉर्पियो ली थी ना इसने, और इन्हीं की अब ब्लैक फॉर्चुनर जो है उसी का हम रैप कराएंगे, रैप नहीं कराएंगे सॉरी डार्क PPF कराएंगे, हाँ। और स्कॉर्पियो ली थी तो हम वहाँ गए थे सिकंद कार वाले पे, और उसने बहुत ही गंदा काम किया था, तो वी डोंट रिकमेंड सिकंद कार अब, क्योंकि पहले तो हमें भी लगता था ठीक है, एक आधी गाड़ी पे कराया हमने, बट बाद में फिर रिजल्ट पता लगता है यार, 6 महीने बाद 1 साल बाद पता लगता है कि चीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी तो फिर करोल बाग में करा लो उससे सस्ते रेट में, वो मतलब रेट भी हाई है और सामान भी बेकार है, तो मज़ा नहीं आया। फिलहाल हम जो है विनय को पिक करेंगे पहले। विनय आ गया भाई, विनय, हेलो विनय, विनय ये पूछ रहा तुम बैग में लेके क्या आते हो, इसने जिंदगी में बैग ही नहीं उठाया आज तक, मैं यही तो मैं स्कूल मैं भी स्कूल में भी एक कप पी लेकर आया करता हॉस्टल में था। चले भी चलो मेरे पीछे आ जा, मेरे ख्याल था तू उसके पीछे तो दुखी हो गया, आगे लो के वैसे तो तने घुटने का नहीं दूर रख रखे अपने, टांग होता है भाई, अपने आप को रखी थी मैंने, चेड़ी नहीं थी ये ना, पानी पी लेने दे। सो भाई ये भाई ना जिंदगी के 32-33-34 साल इंडिया में रहा, और फिर ये 3-4 महीने ऑस्ट्रेलिया चला गया, अब ये बिस्लरी का पानी पीता है, अब ये बिस्लरी का पानी, और ये बिस्लरी में ही नहाता है, एक आधी वीडियो तो पीछे बैठ के उबड़े, और
पर ये बिस्लरी में नहाता है, बिस्लरी में पीता है और बिस्लरी से ही सारे काम करता है, समझ रहे हो? दूध नहीं, समझ रहे हो? नहीं दूध नहीं। तो नाउ ही इज वेरी डेलिकेट विद द इंडियन वाटर, जो जमीन से निकलता है, मिट्टी है उसके अंदर, पहाड़ों से आता है बिस्लरी का पानी उत्तराखंड में। अच्छा, कहाँ पे है ये? इतना नॉलेज नहीं, लेकिन उत्तराखंड में इसका प्लांट है। नॉलेज क्यों नहीं है तेरे को? तो इतने साल हिमाचल में रहा, हिमाचल से कॉलेज किया तूने? हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड से आता है? उत्तराखंड से। ओह, गंगा का पानी है, समझ लो भाई, गंगा का पानी है ये, ऐसे कहना चाह रहे हैं ये भाई साहब। चलो, इनको ज्यादा पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में बताया होगा इनको। यारा रिवर है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी रिवर है? यारा रिवर है भाई वहाँ पे ना, ये भाई ने बता दिया आज। कि अगर किसी को नहीं पता था तो मैं आपको बता दूं, यारा जैसे हम यहाँ यारी यारा दोस्त को बोल देते हैं ना, अभी ऐसे वो वाली रिवर है, ऐसे बोलता है। बाकी खर्चा पड़ गया भी बहुत है वहाँ। लेबनीज बहुत है भाई। लेबनीज फूड बड़ा अच्छा है। आई लव लेबनीज फूड। ओह ग्रेट, सही है भाई। बाकी बाबा इस बात के लिए यह हानिकारक चीज है भाई। ये तो मैं कहो भाई रे, पंचर हो चुका है गाड़ी में, सामने पंचर दिखा दिया है, स्टॉप स्टूप के साइन दे दिए हैं, सारे के सारे एरर दे दिए गाड़ी ने। और अभी तक तो टायर ठीक चल रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा टायर में हवा चली गई है। तो अभी बस यहाँ से के इस एक्सप्रेसवे में तो कुछ होता नहीं भाई। तो अभी 6 किलोमीटर बाद हमारा नीचे उतरने की बारी है, फरीदाबाद का कटा जाएगा, फिर वहाँ पे किसी पंचर वाले से चेक कराते हैं। फिलहाल तो ऐसे ही चलते रहेंगे, और बीच बीच में भाई बहुत ज़्यादा काम चल रहा है हाईवे पे। तो भाई हम आ गए हैं यहाँ पे, और रेपोलिक का नाम ना, रेपोलिक नहीं है, मैं सुबह से रेपोलिक कर रहा हूँ, अब हो गया इसका नाम, द डिटेलिंग हीरोज। और ये गाड़ी है भाई, ठीक है अपनी। अब इसको हम कराएंगे ब्लैक PPF। अभी यहाँ पे एक स्कॉर्पियन तैयार हो रही है, और चलें काटे सामान। लो भाई, अपनी गाड़ी पे जो है काम शुरू हो गया, हमने जो वीडियो बनानी थी वो बना दी है, तो इसमें सारे पार्ट जो है ना वो खुलेंगे, और इसकी बाद वाली जो वीडियो है ना वो भी मैं किसी दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगा। ये व्लॉग शायद इससे पहले आ जाएगा, क्योंकि इसको लगभग 4 दिन लगेंगे तैयार होने में, क्योंकि ऑल ब्लैक कराएंगे इसको। ये जो क्रोम वगैरह है ना, ये पूरा चेंज हो जाएगा, तो ऑल ब्लैक हो जाएगी ये गाड़ी, और इसका सारा कुछ खुलेगा भाई, इवन जो अलॉयज हैं ये भी ब्लैक हो जाएंगे, सब कुछ ब्लैक हो जाएगा, परफेक्ट एकदम। तो बस मस्त लगेगी भाई ये, बिल्कुल कह रहे हैं भाई, तो बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। तो कुछ ऐसी है भाई, अभी काम शुरू हो गया, उधर एक स्कॉर्पियो का काम हो रहा है मस्त, वो भी ब्लैक है वो भी। तो ब्लैक वाले जो है ना वो ज़्यादा कराते हैं, हालांकि बहुत करा तो सार ही सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी जगह है भाई, खुला डुल्ला है। अभी हम जाए भाई, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, अब चलते हैं फटाफट। सो भाई, मैं राजा को इतने सालों से जानता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं उसके घर पे आया हूँ, ठीक है। गांव में तो नहीं है, गांव में ऐसे दूसरी जगह शिफ्ट हो गया वो, तो गाँव तो यहाँ से है 5-7 किलोमीटर, 10-15 मिनट की मतलब दूरी पे। और ये देखा तो मैं गाड़ी तुम्हें, ये गाड़ी देख रहे हो, ये राजा की गाड़ी थी भाई, कॉलेज टाइम में रखी उसने, उसके बाद भी बहुत सालों तक चलाई, ब्लैक कलर की डाइकोर सफारी। और अब इसका ये हाल है, ये गाड़ियाँ बेचते नहीं हैं, उससे पहले उसके पास स्टीम थी, CLO थी, वो भी सब की सब गांव में यहीं खड़ी है। तो ये देख रहे हो आप हाल गाड़ी का, बस बेचनी नहीं, पर लोहे के भाव भी नहीं बेचनी, तो ये रूल है, तो अच्छा है। बस अब भूख लगी है भाई, खाना खाएंगे यहाँ फटाफट, और खाना खा के फिर अपन निकलेंगे वापसी के लिए, ठीक है। सो भाई, अभी हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, भूखे मर गए हैं। मेरी तो निगाह उधर ही है कि कोई ऊपर आएगा खाना लेके। बिने तो मुड़ के भी नहीं देख सकता मैं, कम तक उन्हें तो देख सकूं। राजे खाना ले, राजे भाई पेट भर खाना खा लिया, पूरा समटा दिया सिस्टम। बिने ने कम खाया खाना, थोड़ा थोड़ा कम खाना खाया भी नहीं ना। राजा नर मैंने तो ठीक खा लिया, विनय ना थोड़ा मक्खन नहीं खाया। लस्सी पसंद नहीं आई। हाँ लस्सी मैंने पसंद नहीं आई, लस्सी यार मैंने भैंस की पसंद है, पर गाय की लस्सी। चलो भाई, इव यूं बस यूं पड़ जाएंगे थोड़ी देर,
फिर ये जब कहेगा जब चले जाएंगे। सो भाई सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, जो ये गाड़ी दिखा रही थी ना पंचर है पंचर है, वो सच में पंचर था। अब हम आ जाइए घर से, इन्फ्लेटर से हवा तो डाल लाए बट इसमें पंचर था भाई। अब हम इसमें पंचर लगवाएंगे पहले फिर निकलेंगे। भाई ये गाड़ी अभी आग लगी है, पता नहीं यार बंदे भी निकल गए नहीं निकल गए। नहीं बंदे नहीं है। नहीं है ना? ना। ओ भाई देखियो के मैसेज आ, जबरदस्त आग लगी हुई थी गाड़ी में, बंदे नहीं थे शायद उसमें, अब ना बच गए भाई, वो बाहर खड़े थे शायद उधर, और एकदम से ऐसा ब्लास्ट हुआ, सीएनजी वीएनजी थी उसमें क्या था पता नहीं भाई, बहुत भयंकर आग लगी, बहुत ही ज्यादा भयंकर। डेली आ रहे हैं मेरे को। ओहो यहां देख फ्रॉड है क्या? बढ़ गया मैं डेली आ रहे हैं। किस्मत तो सारे लेकर आ रहे बट कुछ मारे जैसी है कुछ उनके जैसी है। ठीक है मेरी भी ठीक है किस्मत, ऐसी बात नहीं है, ठीक किस्मत है मेरी, किस्मत बढ़िया। तो भाई अभी हमने डिसाइड किया अपने ही फेवरेट फ्रेंड्स कैफे पे, यहाँ पे पीते हैं भाई चाय, मसाला चाय, तो यहाँ रुकेंगे और फिर चलेंगे आगे। चाय बोलो, चाय चाय बोलो, चाय बोल दो, चाय बोल दो। तो भाई हमने अपना ऑर्डर दे दिया है और ऑर्डर के साथ साथ यहाँ चल रहा है भाई आज इंडिया अफगानिस्तान का मैच। तो आज अफगानिस्तान काफ़ी अच्छा खेल रहा, 273 रन मारे। अब जो है यहाँ पे रोहित शर्मा सबको पेल रहा है भाई, 27 गेंदों में 50 रन मार देगा आप देखना। ये देखो 27 पे ओ रह गया यार, चलो कोई नहीं 28 पे मार देगा। तो भाई रोहित शर्मा इतने ज़बरदस्त मार रहा है कि हमने तो स्नैक्स लेके यहीं बैठ गए कि 100 करा के ही जाएंगे यहाँ पे। हाँ भाई हो जाएंगे 100 बिल्कुल, दो ओवर में। दो ओवर में चलो भाई देखो 11.2 ओवर में ये भी हो चुके हैं और अभी इसके 22 रन पीछे है ये। सो भाई फाइनली विनय को और राजा को मैं छोड़ के घर आ गया हूँ और मैं ऐसे ये देख रहा हूँ कि ओस करना एक्चुअली बाहर है और मेरा वेट कर रहा है गाड़ी के बाहर खड़ा हो गया, तो एक बार उससे मिलते हैं पहले, नहीं तो वो सब कुछ ध्वस्त कर देगा। ठीक है देखो हो रहा देखो हो रहा कैसे देख रहा है वो देखो वो देखो वो गाड़ी गाड़ी पे स्क्रैच लगा देगा। हेलो बच्ची हेलो बच्ची आ जाओ इधर आ जाओ, बस बस इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ हाँ क्या हो गया? मैं नहीं लूँगा तेरे को, नहीं पकड़ूंगा नहीं पकड़ूंगा, अच्छा नहीं पकड़ूंगा नहीं पकड़ूंगा नहीं पकड़ूंगा। ये देखो अब खेलने के लिए कुछ ढूंढ के, ये अब कुछ ढूंढ ढूंढ के लाएगा कुछ ढूंढ के लाएगा कुछ, अब इसको कुछ मिलेगा नहीं। बुलाया बुलाया अब इसको टग ऑफ वॉर खेलना है भाई। ये लो ये देख गंदा सा कुछ पोचा उठा के लाएगा। अरे गंदा नो उसकी नो नो छोड़ो नहीं ओस्कर इससे नहीं खेलना, इससे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे इससे नहीं खेलेंगे इससे पकड़ो उसको पकड़ो उसको पकड़ो पिटो पिटो उसको पिटो नहीं खेलेंगे हम इससे, नहीं खेल रहा मैं नहीं खेलूँगा नहीं खेलना इससे, गंदा है ये गंदा है ये देखो गंदा है ये गंदा है, मैं नहीं खेला चल पागल गंदा चलो पुचकारूँगा लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ नहीं खेलूँगा मैं नहीं खेल रहा मैं। चलो भाई आज का लोग यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है आज जो गाड़ी देके आए हैं अब उस गाड़ी को लेके आऊँगा मैं 3-4 दिन बाद, और अगर आप इसी व्लॉग में वो गाड़ी देख रहे हो दैट मीन्स कि मैं लेट हो गया हूँ व्लॉग डालने में, तो फिर मैं यही पूरा व्लॉग बना रहा हूँ। अगर नहीं देख रहे हो तो फिर यहाँ पे लिखा आएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग और सब्सक्राइब द चैनल, तो अब देख लो क्या आया आपके सामने।